आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्ती की। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। कंप्यूटर ऑपरेटर बोल दो या डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल दो, तहसील कार्यालय में और राजस्व विभाग में भर्ती निकली है संविदा पद पर, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक तो राजस्व विभाग में निकली और दूसरी निकली है तहसील कार्यालय में। दोनों वैकेंसी एक साथ निकली है, उसका आदेश भी पारित हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये जानकारी देने वाले उसके कितने पद हैं, किस जिले में हैं और कितने वर्ष के लिए और सैलरी कितनी मिलेगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ताकि जिसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो या PGDCA DCA हो, ताकि वो इस वैकेंसी का लाभ ले सके। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, जहां से आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट प्राप्त हो सकेंगे। ये पीडीएफ आने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए और हाई लिखकर हमें भेज दीजिए, ताकि हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ हाई लिखकर जरूर सेंड कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम नोटिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं। तो ये पीडीएफ हमारे पास आई है 8/5/2023 को कार्यालय कलेक्टर जिला नीमच मध्य प्रदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी MP एनलन भोपाल, कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पदों की पूर्ति के संबंध में उपरोक्त विषय नीमच जिले में कार्यालय का सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुल रिक्त पद एक कार्यालय अनुभवी अधिकारी राजस्व नीमच के लिए व तहसील कार्यालय सिंगरौली के लिए कुल एक पद, मतलब राजस्व विभाग के लिए भी एक पद है और सिंगरौली तहसील कार्यालय के लिए एक पद है। अतः मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के परिपत्र दिनांक 9/8/2017 के अनुसार प्राप्त आवेदनों को वर्ग उनके CPCT स्कोर कार्ड के अनुसार व विज्ञप्ति में दिए गए निर्देश एवं वर्ग बार मेरिट सूची तैयार कर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात कुल दो पद हेतु कार्यालय अनुभावी राजस्व नीमच व तहसील कार्यालय सिंगरौली के कार्यालय हेतु चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करते। चलिए चलते हैं वैकेंसी की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पूर्ति हेतु यहाँ पर दो निकले हैं। यहाँ पर आपको पद का नाम देख लीजिए, कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर कार्यालय अनुभाग राजस्व विभाग में है और तहसील कार्यालय में है, ठीक है। दोनों की पेमेंट दोनों जगह, अगर आप राजस्व विभाग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं या तहसील कार्यालय में करते हैं, तो आपको 22,770 रुपये में दी जाएगी। और यहाँ पर राजस्व विभाग में केवल महिला के लिए आरक्षित है और यहाँ पर आपको तहसील कार्यालय में ओपन है, मतलब ST SC महिला पुरुष कोई भी भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 6/5/2023 है, 6/6/2023 को शाम 5 बजे तक MP ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ये आवेदन आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से ही भरना होगा। कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा पद हेतु नियम को शर्त आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लोक सेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यालय अनुभवी अधिकारी राजस्व नीमच व तहसील कार्यालय सिंगरौली के अधिक रिक्त कार्यालय व सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा पद के लिए योग्य शैक्षणिक योग्यता अन्य अर्हता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपको क्या क्या लगेगी, शैक्षणिक योग्यता व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यता का कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी में एवं अंग्रेजी में, आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों आना चाहिए। डाटा फीडिंग के कार्य आपको आना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग करना आना चाहिए। MS ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। 1 वर्ष का UGC से मान्यता प्राप्त BBA द्वारा कंप्यूटर डिप्लोमा, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको दी गई है। यहाँ पर आयु बात करेंगे, मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष रहेगी और 45 वर्ष आपकी मैक्सिमम यूज रहेगी आयु रहेगी। पिछड़ा वर्ग के महिला उम्मीदवार को 5 वर्ष की छूट प्रदान इसमें की जाएगी। चयन प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी कि MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। आवेदन दिनांक 23/5/2023 से MP ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। 6/6/2023 तक शाम 5 बजे तक किए जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात नहीं लिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में बात करें, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18/8/2017 के अनुसार हिंदी टाइपिंग में कुल प्राप्त अंक CPCT कंप्यूटर में उच्च शैक्षणिक योग्यता समान पात्रता होने पर उच्च शिक्षा एवं नीमच जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इसमें आप किसी भी जिले से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नीमच जिले में जो है वो ही केवल अप्लाई कर सकता है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपको संविदा की अवधि कितनी रहेगी, संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए भेद रहेगी। संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त
की जाएगी। मानदेय की बात कर ले तो मानदेय आपको 22,770 रुपये आपको दिया जाएगा। यात्रा भत्ते की पात्रता जैसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है। आपको छुट्टी कितने वर्ष की मिलेगी? एक वर्ष में केवल 13 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। चिकित्सा अवकाश मिलेगा एक वर्ष में केवल 15 दिन तक। यहाँ पर कुल पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं, 6 पेज की पीडीएफ है। आवेदन पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और वेतनमान भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आपने सीपीसीटी कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जरूर आवेदन करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ दी गई जानकारी सब स्पष्ट होंगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी होगी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे जरूर माफ करिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए। धन्यवाद।